मक्कार चेहरा दुनिया के सामने आश्कार हो रहा है। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय एजेंसियों का किरदार वाज़ह हो गया। पार्लियामेंट में इल्जाम लगाया कि भारत ने एक कैनेडियन शहरी को, सिख कैनेडियन शहरी को कनाडा में कत्ल किया है। भारत के खिलाफ आलमी दहशतगर्दी में मुलव्वस होने का ठोस सबूत, कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में सफारतकार का रूप धारे रॉ का सरगना निकला। आपको बता दें बहुत बड़ी खबर आ रही है, कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, भारत सरकार ने निष्कासित किया, 5 दिन में भारत छोड़ने का आदेश। खालिस्तानी चरमपंथ को शह देने को लेकर भारत और कनाडा के बीच रिश्ते इतने ज्यादा खराब हो चुके हैं कि कनाडा ने एक भारतीय राजनयिक को देश से निकाल दिया। अहम खबर आपको देंगे, कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय हुकूमत मुलव्वस हो। मैं जस्टिन ट्रूडो से पूछता हूं, भाई तुम इतने बड़े 30 मार खान हो और तुम्हारे भारत की इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ है तो जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और भारत को बेनकाब करो। करते एक हिंदुस्तानी लीडर को मार दिया तो क्या ये तो फ्रीडम टू किल है? ये तो कनाडा का कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। एक बड़ा डिप्लोमेटिक टसल कह लें, डिप्लोमेटिक डाउनग्रेडिंग हुई है कनाडा और इंडिया के ताल्लुक। मुझे पता है कंटेंट आप लोग पसंद नहीं करोगे, कहोगे यार ये तो लाइन से हट के बात कर रहा है। अरे भैया सर्वप्रिय है भारत, मेरे भाई इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कुछ नहीं होता, घर के बच्चे को जिस तरह से ट्रीट किया जाता है ना, जब हम छोटे छोटे स्कूल जाते हैं ना। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों आज हर तरफ हर न्यूज चैनल पे एक ही बात शुरू है, वो है कनाडा की, क्योंकि कनाडा की असेंबली के अंदर कनाडा के प्रेसिडेंट और वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने भारत पर ये आरोप लगाया है कि जो कुछ दिनों पहले वहाँ पे एक खालिस्तानी लीडर का मर्डर हुआ था जिसका नाम था निज्जब और उसमें इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व है और इसलिए उन्होंने भारत के डिप्लोमेट को वहाँ से निकाल दिया है। तो दोस्तों ये खालिस्तानी प्रो गवर्नमेंट है जो कनाडा की है, क्योंकि वहाँ पे उनको जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो खालिस्तानियों से मिलता है, खास करके जस्टिन ट्रूडो के पार्टी को, और साथ ही में ये जो खालिस्तानी समर्थक है ये उनके गवर्नमेंट में भी शामिल है दोस्तों। मगर इसी न्यूज़ का फ़ायदा आज पाकिस्तान भी उठा रहा है और पाकिस्तान के हर न्यूज़ चैनल के अंदर सभी न्यूज़ एंकर चिल्ला चिल्ला कर ये बातें कह रहे हैं कि देखो देखो ये जो इंडिया है, देखो हमें कहता है, मगर आज इंडिया पकड़ा गया, इनमें रॉक के जो एजेंट है वो पकड़े गए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ये देखेंगे और साथ में ये भी देखेंगे कि हमारे जो मेजर साहब है गौरव आर्य जी, उन्होंने किस तरह फिर कनाडा की धुलाई की है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू, मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। दोस्तों आज तो पूरी लड़ाई हो गई भारत और कनाडा के बीच में, आप समझ लीजिए महाभारत। शुरुआत करी कनाडा ने, वही दकियानूसी हरकत, एक डिप्लोमेट को निकाल दिया, बोला कि आप जाइए। क्यों भाई साहब, क्यों जाए वो डिप्लोमेट? इसलिए क्योंकि कनाडा को ये शक है कि वहां पे जो रॉ का बंदा था, ठीक है, जो रॉ का बंदा कनाडा में हमारा जो हाई कमीशन है वहां पे पोस्टेड था, उसने हरदीप सिंह निज्जर को ठोका है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बात बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। आप YouTube में कुछ भी देख लें, कैसा भी कर लें, हम लोग हंसी मजाक कर लें, मीम्स बना लें, फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैं इसके ऊपर आऊंगा अभी एक मिनट के बाद कि ये मरा कैसे निज्जर, पर मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि साहब कुछ भी नहीं है तो फिर निकाला क्यों? निकाला इसलिए क्योंकि जब जस्टिन ट्रूडो यहां पर आया था, भारत आया था, तो उसने मोदी जी से कुछ बात करने की कोशिश करी, फ्रीडम ऑफ स्पीच ये सब, तो तेरे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने रोका है क्या भाई? तेरे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच हमने रोका है क्या? तू अपने कपड़े उतार के नाच, कौन पूछ रहा है यार? प्रॉब्लम कुछ और है, प्रॉब्लम ये है कि भारत को नुकसान पहुंचाने वाले कनाडा में रहते हैं, कनाडा की नागरिकता लेके ये खालिस्तानी कहते हैं कि ये भारत का डिप्लोमेट है इसको मारो। उनकी फोटो लगाई है ऊपर, AK-47 लगाया है, बोल रहे हैं हम बदला लेंगे, इसका क्या मतलब है? किसने मारा, किसको मारा भाई? क्या प्रूफ है? प्रूफ है तो केस करो ना यार। मैं जस्टिन ट्रूडो से पूछता हूं, भाई तुम इतने बड़े 30 मार खान हो और तुम्हारे भारत की इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ है तो जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और भारत को बेनकाब करो। करते क्यों नहीं? क्यों सांप सूंघ गया तुम्हें भाई? वो नहीं करना, इसको निकाल दो, ये कर दो चुपचाप से ट्रेड का, और नहीं चाहिए तुम्हारी ट्रेड यार, 2 कौड़ी की तुम्हारी इकोनॉमी है। अभी तुम्हारी पोल खोलता हूं, रुक जाओ। दिस इज बेसिकली अ टिट फॉर टैट मूव। अब रात को कल कैनेडियन पार्लियामेंट के अंदर जस्टिन ट्रूडो ने ये कहा
कि भाई हमारे पास एक खास किस्म की एक एविडेंस है। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने बात कहा, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास ये एविडेंस है कि जो इंडियंस हैं वो इन्वॉल्व रहे हैं एक मर्डर में, एक कैनेडियन के मर्डर में इंडियन अथॉरिटीज़। वहाँ से फिर चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती गईं। और फिर आज सुबह कनाडा इंडिया जो है उसने रिजेक्ट की एलिगेशंस, और उन्होंने कहा कि हमने कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की जो पार्लियामेंट में स्पीच है उसको देखा है, उसको हम ये एलिगेशंस हैं इंडिया के खिलाफ, और इंडिया जो है वो किसी किस्म की एक्ट ऑफ वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं है। और ये जो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने एलिगेशंस हैं हम रिजेक्ट करते हैं, इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कमिटमेंट टू रूल ऑफ लॉ। सेम ही ट्रूडो साहब वहाँ पे कह रहे थे कि दैट कैनेडा इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वी हैव वैल्यूज, हम एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स और हम सॉवरेनिटी की वायलेशन जो है वो नहीं करेंगे। अब बेसिकली ये जो खालिस्तान का इशू है दैट इज़ सो मच डीप इनटू द सिस्टम, ये दैट हैज़ नॉट रिमेंड इन इंडिया अलोन, इट हैज़ गॉन टू लंडन, इट हैज़ गॉन टू ऑस्ट्रेलिया, इट हैज़ गॉन टू कैलिफोर्निया, एलए, वॉशिंगटन, एंड देन ऑब्वियसली यहाँ पे, क्योंकि ये मैंने बहुत सारी जगहों पे मैंने ये ऐसे इश्यूज देखे हैं। ये काम करा है खालिस्तानियों ने और उनकी हेल्प करी है आईएसआई वालों ने। खैर वो छोटी बात है, उनको आईएसआई को तो हम निपटा देंगे अलग से और खालिस्तानियों को भी निपटा देंगे। मैं कुछ और आज कहना चाहता हूँ आपसे दोस्तों। इसने निकाला भारत का, फट से कमेंट आया, मैं कमेंट पढ़ के आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों भारत का ये कमेंट आया, we have seen and reject the statement of the Canadian prime minister in their parliament as also the statement by the foreign minister, yani ki jo Canadian prime minister ne parliament mein statement diya hai aur Canadian foreign minister ne parliament mein statement diya hai, hum dono ko reject karte hain, ye galat hai, ye bebuniyad hai, hum isko jhoot karar karte hain। baat ye hai ki India pressure dal raha hai Canada ke upar ki ye jo khalistani hai na, ye jo khalistani hai inko zara line pe lagao। to अब खालिस्तानियों से तो उसको पॉलिटिकल सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी में तो है नहीं, उसको बाहर से सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट कौन दे रहा है? जगमीत सिंह, देखिए भाई साहब की फोटोग्राफ, ये जगमीत सिंह जी हैं, जगमीत सिंह जी सपोर्ट देते हैं। और जगमीत सिंह है डाइड इन द वूल खालिस्तानी, यह बिल्कुल 100% खालिस्तानी, यह फट जाएगा किसी दिन, मैं बता रहा हूं आपको, खालिस्तान के प्यार में, खालिस्तान की मोहब्बत और उसके इश्क में फट जाएगा जगमीत सिंह किसी दिन। तो ये जगमीत सिंह ने इसको सपोर्ट कर रखा, अब ये कुछ नहीं कर सकता, ट्रूडो गया है फंस। और जितना खालिस्तानी इसके ऊपर प्रेशर डालेंगे, ही इज अ मैन हु इज बीइंग हेल्ड होस्टेज बाय हिज सपोर्टर्स। जस्टिन ट्रूडो है, जस्टिन ट्रूडो को ब्लैकमेल करा जा रहा है और जस्टिन ट्रूडो की हरकतें ऐसी हैं क्योंकि लालची आदमी है, उसको सत्ता चाहिए, उसको कुर्सी पर बैठना है। अब वो कहते हैं इंडियन कैनेडियन जो हैं उनका एक ऑब्वियसली एक मौकफ इस हवाले से ये है क्योंकि जस्टिन ट्रूडो की जो पार्टी है दैट इज़ वेरी क्लोज विद जगमीत सिंह, मेरे ख्याल 18-19% उनके वोट जो हैं वो हैं एंड इज इन अलायंस। एंड जगमीत सिंह जो है, मैं उनको देख रहा था कि ही वॉज डायरेक्टली एलिजिंग भारत के वज़ीर आज़म को कि हम जो है वो ये वी विल गो फॉर हिम एंड ऑल दैट। अब ये जो चीज़ें हैं ये सेपरेटिज़म, एक्सट्रीमिज़म, इंडिया कैनेडा को कह रहा है कि भाई आप इन्वॉल्व हैं सेपरेटिज़म में, एक्सट्रीमिज़म, ठीक है जी, लेकिन कैनेडियंस कहते हैं कि भाई ये जो आप है ना हरदीप सिंह, ये आपने बंदा मारा है। इंडियंस सारी बात है वो नहीं मानते इस चीज़ को, वो कहते हैं कि नहीं वी डिडेंट डू दिस, लेकिन इंडिया बार बार कनाडा के ऊपर इस बात पे इल्ज़ाम लगाता है कि आप सेपरेटिज्म को सपोर्ट करते हैं। पहला G7 कंट्री है जिसको इंडिया ये कह रहा है प्रॉपरली, और ये कनाडा ने रिस्पॉन्ड कर दिया। अब अगर देखें कैनेडियंस तो इंडिया नहीं चाहते, लेकिन इंडियंस कैनेडा चाहते हैं, कैनेडियंस इंडिया को रोजगार के लिए, जॉब के लिए वो नहीं आएंगे। ये कहते हैं हमें पता लग गया, पता लग गया तो बताओ ना कौन है ये, बोलो फिर, अब बता दो कि ये बंदा है यार, इसने मारा है, ये नहीं बता रहे। उसके बाद कनाडा की जो फॉरेन मिनिस्टर है, क्योंकि वो डिप्लोमेट है, अब उसने क्या लैंग्वेज यूज करी देखो, उसने बोला इफ प्रूवन ट्रू, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है, रॉयटर्स की रिपोर्ट जो मैं अभी कोट कर रहा हूं,
द फॉरेन मिनिस्टर मेलिन जोली लेटर यूज्ड मोर कॉशियस लैंग्वेज, उन्होंने थोड़ी सी और जो भाषा है उसको थोड़ा सा नरम कर और बोला कि इफ प्रूवन ट्रू, अगर इनको सही साबित, अबे गधे के बच्चों, अगर ये सही साबित नहीं था तो तुमने इतना बवाल क्यों खड़ा करा। जस्टिन ट्रूडो कुछ कह रहा है, उसकी फॉरेन मिनिस्टर कुछ कह रही है। ओए देखो सुनो, या तो इंडिया ने निज्जर को मरवाया है या इंडिया ने निज्जर को नहीं मरवाया, कहानी खत्म हो गई। इसमें कोई डिबेट लग रहा है आपको क्या कि नहीं शायद इंडिया ने निज्जर, ओ यार या तो मरवाया नहीं मरवाया, अगर आपके पास प्रूफ है तो आप प्रूफ सामने रखो, आप प्रूफ सामने रखो दुनिया के सामने, इंडिया को मत दिखाओ प्रूफ, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, आप दुनिया भर के सामने करो, वेबसाइट में डालो प्रूफ कि ये प्रूफ है कि जी इंडिया ने मरवा दिया निज्जर को, बोलो फिर बताओ क्यों नहीं करते हो। ये कह रहे हैं कि किसी इंडियन ने कनेडियन सिटीजन को मार दिया, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है अभी, इफ प्रूवन ट्रू, अगर बाद में साबित हो गया तो। वो मेलिन जॉली जो उनकी फॉरेन मिनिस्टर, वो कह रही है। अब अगर ये हालात खराब हुए हैं तो कौन सा ऐसा इलाका है, कौन से ऐसे लोग हैं जो ज्यादा मुतासर हो सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नॉर्दर्न एरियाज हैं इंडिया के, पंजाब है एंड ऑल दीज प्लेसेस, ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से मुतासर होंगे इन चीज़ों से। और अगर ये चीज़ चलती है, और अच्छा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी थी कि जस्टिन ट्रूडो ने ये भी कहा कि मैं वेस्टर्न पार्टनर जो है हमारे उनसे भी बात कर रहा हूँ। सो इट मींस कि ये जो इशू है इंडिया का, कि इंडिया कनाडा के अंदर आके इंडिया के लोगों ने एक वो जो हरदीप सिंह है उसको कत्ल किया है वैनकूवर के अंदर, तो इट मींस कि ये जो G7 ममालिक हैं उन तक ये बात पहुँचाली गई है। क्या अमेरिका कुछ करेगा, बरतानिया कुछ करेगा या कुछ करेंगे, मुझे नहीं लगता। अच्छा मज़े की बात ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक, नरेंद्र मोदी, ये UN जनरल असेंबली के सेशन में जा ही नहीं रहे। अब मैं आपको एक और खबर पर ले जाता हूँ। ये कह रहे ना कि किसी इंडियन ने कनेडियन को मार दिया, इंडियन सरकार ने कनेडियन को मार दिया, ठीक है जी। अब देखो, अब देखिए दोस्तों, अब मैं आता हूँ, यही बात है ना, ये लोग कह रहे हैं कि इंडिया ने कनेडियन सिटीजन को मार दिया इसलिए जस्टिन ट्रूडो का दिल टूट गया और आंसुओं में डूब गया। अब देखो, बलजिंदर सिंह बल्ली एक कांग्रेस का लीडर है, ठीक है, था कांग्रेस का लीडर, उसको दो बंदे आए और उसको गोली मार दी, ये आज की खबर है, ठीक है जी, आजकल की खबर है, दरमियानी रात की। तो दोस्तों यहां पे एक पॉलिटिकल लीडर को, बलजिंदर को मार देते हैं, ठीक है जी, उसको मार देता है अर्जदल्ला। अर्जदल्ला कौन है? कनेडियन है। और वो कहां पे लिखता है? फेसबुक पे लिखता है कि हां मैंने ठोक दिया इसको। एक बात बताओ, अब मैं क्या समझूं इससे? इज जस्टिन ट्रूडो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ एन इंडियन पॉलिटिकल लीडर, यस और नो, लिखिए कमेंट्स पे। क्या जस्टिन ट्रूडो ने मरवाया? क्या जस्टिन ट्रूडो क्यों उसको वहां पे बैठ के उसको शह दे रहा है, बंदे को जो खुद एडमिट कर रहा है यही खालिस्तानी करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक स्पाइनलेस प्राइम मिनिस्टर मिला है। जस्टिन ट्रूडो, ही इज अ स्पाइनलेस मैन, ही डज नॉट हैव स्पाइन, ही डज नॉट हैव मॉरल्स, ही डज नॉट हैव एथिक्स, ही इज अ वीक मैन हु इज अ प्राइम मिनिस्टर सिंपली बिकॉज सम खालिस्तानीज हैव गिवन हिम सपोर्ट। ये खुद से कंप्लीट मेजोरिटी में नहीं आ सकता बंदा। इसने क्या करा है बंदे ने कि अब इसने लिख दिया फेसबुक पे कि मैंने मारा है। अब अगर इंडिया बोलेगा कनाडा से कि तुम इसको एक्सट्रेडाइट करो, इंडिया भेजो, इसने इंडिया में मर्डर कराए, फिर क्या होगा? दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और मेजर साहब ने जो बातें की बिल्कुल सही की, अगर कोई आपके पास प्रूफ है तो वो दिखाए, आप सिर्फ शंका जता रहे हो, शक जता रहे हो, और इतना बड़ा स्टेटमेंट आप दे रहे हो भी असेंबली के अंदर, ये बात ठीक नहीं है। मगर आज जो कैनेडाई गवर्नमेंट जो खालिस्तानियों को सपोर्ट दे रही है, उसके पीछे ये है कि वहाँ के खालिस्तानी ग्रुप जो है वो इन गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आज वो कठपुतली की तरह इनके बातों पे नाचते हैं। मगर ये जो कैनेडाई गवर्नमेंट है ये भूल चुकी है कि यही खालिस्तान जो कैनेडा में बैठ के इंडिया में खालिस्तान की मांग कर रहा है, एक दिन कैनेडा में भी एक खालिस्तान बना के ज़रूर रहेगा, ये बात होने वाली है दोस्तों। तो भाई दूसरी तरफ हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ की मीडिया तो दिन भरे से वही चिल्ला चिल्ला के यही बातें कर रही है, देखो इंडिया ने क्या किया, इंडिया के एजेंट बाहर देश में जाके ऐसे कहा दहशतगर्दी का काम कर रहे हैं, और इंडिया हमारे को झूठे इल्ज़ाम लगाता है, और उनको ये भी लग रहा है कि अभी शायद इंडिया को बाकी दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क है वो बॉयकॉट करेंगे। तो भाई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, कोई फिक्र मत कीजिए, आप सिर्फ अपना देखिए, ज़्यादा चिल्लाने की और ज़्यादा छलांगे मारने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो मैटर जल्दी सॉल्व हो जाएगा और सबके सामने आ जाएगा।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मगर जाने से पहले जो व्यूवर्स हमारे चैनल पे नए हैं उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।